अपने उस एहसास को अपने घर से निरंतर जोड़ कर रखना, उस छवि को, उस समृद्ध परंपरा को, सांस्कृतिक धरोहर को दूसरे प्रदेश में ला के एक सुंदर स्वरूप देना और उससे जुड़कर उसकी सक्सेस स्टोरी को, उसकी सफलता की गाथा को इस प्रकार सूत्रों में पिरोना कि 12 वर्षों की अमृत यात्रा चलती रहे, लोगों को यहाँ पर आकर्षित करके बुलाती रहे। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी विचार था, कर्म है और आप सबके सहयोग से ही ये संभव हो पाया है। अभी अभी आयोजन समिति के अध्यक्षगण द्वारा मुझे काफ़ी इसके विषय में बताया गया। आपका प्रदेश जैसा रहा है देवभूमि कहा जाता है, पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में हमारे आदि ऋषियों की परंपराओं का जो उल्लेख आया है वो देवभूमि, हिमालय और हिमालय से सटे हुए उस अतुलनीय सौंदर्य वाले प्रदेश का ही वर्णन रहा है। आपके यहाँ से ही उपजी हुई सांस्कृतिक विचारधारा, आपके यहाँ से ही उपजा हुआ शास्त्रों का वर्णन और आपके यहाँ से ही निकलकर पूरे उत्तर भारतवर्ष को नया जीवन देने वाली गंगा और यमुना की जो दो धाराएं हैं उस सबसे स्वतः स्पष्ट है कि उत्तराखंड का महत्व पूरे भारतवर्ष के लिए, खासकर उत्तर प्रदेश के लिए क्या रहा है। आपने अपने इस धरोहर को ना केवल संभाल के रखा है बल्कि आने वाली पीढ़ियों को उससे आमुख करने के लिए जो ये प्रयास आप कर रहे हैं ये अभिनव प्रयोग है और ये बाकी प्रदेशों के लिए, भारत के बाकी प्रदेशों के लिए एक बहुत अच्छा स्वर्णिम उदाहरण है कि आप जहाँ भी जाएं आप अपना उत्तराखंड अपने साथ रख कर अपने हृदय में धारण करके और चलते हैं। उत्तराखंड वीरों की भूमि भी रही है। उत्तराखंड ने हमारी सेनाओं में शौर्य प्रदर्शन करने वाले रणबांकुरों को भी जन्म दिया है। उत्तराखंड सदैव से चीनी सीमा से लगे हुए प्रदेशों में भारत के सुरक्षा प्रहरी के तौर पर भी काम करता आया है। ना केवल जिस विचारों के तहत प्रदेश के विभिन्न अंचलों में उसकी बुनियादी संस्कृति को अक्षुण बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा जिस प्रकार की गतिविधियां लाई जाती रही हैं, छोटे छोटे तीर्थ स्थानों को डेवलप करके उसको एक पर्यटन की विकास धारा से जोड़ने की कोशिश रही हो, छोटे छोटे स्थानों के हस्तशिल्प को, वहाँ की बुनियादी सांस्कृतिक धरोहर को अक्षुण बनाए रखने के लिए उसको शोकेस के तौर पर प्रेजेंट करने की चाहे प्रयास रहे हों, उसी तरह का प्रयास पर्यटन विभाग के द्वारा आपके इस महाकौथिक को भी मिलना चाहिए, वो सम्मान मिलना चाहिए और आशा करते हैं कि आने वाले वर्ष में ये शीघ्र संपन्न होगा और आपका अगला महाकौथिक मेला पर्यटन विभाग के ही छत्र छाया में संपन्न होगा। आपके यहाँ से जो भी विकास के लिए, आपके यहाँ से सांस्कृतिक विरासत को शोकेस करने के लिए जो भी उद्यम और उद्यमिता को सपोर्ट चाहिए होगा, हम आशा करते हैं कि आप हमारे संज्ञान में लाएंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार से हम वो सब साधन आपको उपलब्ध करा सकें। नोएडा की जनता की तरफ से, पुलिस परिवार की तरफ से इस यात्रा के लिए आपको शुभकामनाएं।